हेलो दोस्तों, मैं हूं चिराग और इस वक्त मैं हूं गैंगटॉक में। गैंगटॉक 5,500 फीट की हाइट पर बना एक हिल स्टेशन है और सिक्किम का कैपिटल भी है। एक जमाने में गैंगटॉक बुद्धिस्ट धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हुआ करता था। आज ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहाँ की आबादी करीब 1 लाख के आसपास है और यहाँ की मुख्य भाषा नेपाली है। ब्रिटिश शासन के दौरान सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट था और 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद नेपाल और भूटान की तरह सिक्किम भी इंडिया का हिस्सा ना होते हुए एक इंडिपेंडेंट राज्य बन गया। पर 1975 में सिक्किम आजाद भारत का हिस्सा बना और इसे इंडिया का 22वां स्टेट डिक्लेयर किया गया और गैंगटॉक यहाँ का कैपिटल बना। आज हमारे साथ है धावा, जो कि हमें गैंगटॉक सिटी टूर करने ले जाएंगे। इस वक्त मैं हूँ बातंग वाटरफॉल पर, जैसे कि आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं, यह सच में बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पर यहाँ के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनकर फोटोज भी खिंचवा सकते हैं। इस वक्त मैं हूँ गुंजन मॉनेस्ट्री में, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। भूटान, नेपाल और तिब्बत सिक्किम से काफी नजदीक होने के कारण सदियों से उन लोगों का यहाँ पर बहुत इन्फ्लुएंस रहा है और उसी कारण यहाँ पर बौद्ध धर्म भी काफी फैल गया है और इस वजह से आपको यहाँ पर कई सारी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज दिखाई देगी। गोंगजिंग मॉनेस्ट्री गैंगटॉक से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर तिब्बतियन और इंग्लिश लैंग्वेज में बुद्धिस्ट मोनेस्टिक एजुकेशन के साथ साथ इंडियन और तिब्बतियन बुद्धिस्ट फिलॉसफी और मोरल वैल्यूज की पढ़ाई भी की जाती है और ये कोर्स 9 साल का होता है। बुद्धिस्ट मॉन्क्स और स्टूडेंट्स के इलाज के लिए यहाँ पर एक हेल्थ सेंटर भी है। इस मंदिर के अंदर कैमरा ले जाने पर पाबंदी है। अब मैं पहुंच गया उताशी व्यू पॉइंट पर। इस वक्त मेरे साथ है कर्मदेन जी और ये हमें टेलीस्कोप से यहाँ के आसपास का नज़ारा दिखाएंगे। तो कर्म जी, क्या क्या दिखाई देता है यहाँ से? अभी फिलहाल सर कुछ बोल नहीं सकता बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट क्लाउडी, सी ऑल अबाउट इट्स क्लाउडी, बट आप थोड़ा 5 या 10 मिनट्स रुक सकते हो तो यहाँ से आपको सिक्किम की सबसे पुरानी बुद्धिस्ट का टेम्पल 2 दिखेगा। इट्स फुदुंग एंड फैनसुंग। इसके सामने फुदुंग इज 40 किलोमीटर, फैनसुंग इज 24 किलोमीटर। ओके, सो इट्स अ नॉर्थ सिक्किम साइट। So we are just 6,000 feet and that site is a 4,500 feet. So abhi hum log 6,000 feet pe, abhi aap log aap chadh ke aaye 115 feet. So abhi aapko yahan se bas ek hi nazar dikhega Gurudwara. And the mark ke samne Devrali station ke samne wahi dikhega. So but you should be come September, October, November, December. In that day you have to see properly. Pura clear climate rehta. Yeah, of course 5 p.m. to 5 p.m. Acha. So, क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब है, हर तरफ कोहरा है, तो हमको इस मौसम में ज़्यादा कुछ तो दिखाई नहीं देगा, पर सिर्फ गुरुद्वारा दिखाई देंगे जो मैं डेफिनेटली देखूंगा। बट सर आपका लक बहुत अच्छा है बिकॉज 20 या 30 डे बिफोर इट्स ऑलमोस्ट रेनिंग सीजन, पिछले कुछ दिन से ही थोड़ा मौसम खुला है। उसके बाद 5-6 दिन के बाद ये धूप खुला। अच्छा, इट्स वेरी गुड। चलो देखते हैं फिर। तो सितंबर अक्टूबर के टाइम यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है, पर मौसम के कारण अभी हम ये नज़ारा नहीं देख पाएंगे। आई थिंक यू शुड बी कम 5:35 इन द मॉर्निंग, 4:30 इन द मॉर्निंग यू हैव टू सी सन राइजिंग इन दैट प्लेस। एंड सिक्किम वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इज अ टैशी व्यू पॉइंट 100% बिकॉज वी आर जस्ट 6,000 feet एंड टैशी व्यू पॉइंट मीन्स किंग ऑफ नेम टैशी नामगेल भूटिया। सो टैशी नामगेल की सिक्किम की जो राजा ने ये जो व्यू है उन्होंने बनाया। अब अभी आपको यहाँ से सीजन के टाइम में कौन सा व्यू दिखेगा, यू हैव टू सी 5 माउंटेन, नर्सिंग पीक, सिनाचू, पांडिम, काब्रू, कंचन जुंगा। इट्स अ 5 माउंटेन, सो दैट्स व्हाई दे कॉल द कंचन जुंगा। इट्स अ 28,000 feet, 85-86 meter। एंड अभी आपको सीजन के टाइम में और
वो भी दिखेगा, वाटरफॉल, सेवन सिस्टर वाटरफॉल, इन सेवन सिस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेवन स्टेट्स। एंड उसके बाद आपको तीन मॉनेस्ट्री दिखेंगे, फुदुंग एंड पैनसोंग एंड लाब्रम, वो नॉर्थ सिक्किम की सबसे पुरानी बुद्धिस्ट कंट्री। थैंक यू सो मच कर्मा जी, आज इन्होंने हमें ताशी व्यू पॉइंट और गैंगटॉक के बारे में काफी कुछ बताया और हमें बहुत कुछ जानने मिला। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमें एमजी रोड पे, जो कि गैंगटॉक का सबसे फेमस रोड है, यहाँ पर यहाँ की सबसे फेमस शॉपिंग मार्केट है। एमजी रोड थोड़ा अप मार्केट शॉपिंग एरिया है, इससे थोड़ा आगे जाके दूसरी मार्केट है जिसको लाल बाजार कहा जाता है, जो कि यहाँ के लोकल प्रोडक्ट की मार्केट है। तो आज हम दोनों मार्केट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। एमजी रोड गैंगटॉक की मेन मार्केट है और यहाँ पर कई सारी चीजें मिलती है और साथ साथ कुछ रेस्टोरेंट्स और थिएटर भी है। तो यहाँ तक था एमजी रोड और यहाँ से नीचे उतरते ही शुरुआत होती है लाल मार्केट की। एमजी रोड पर सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थे और बहुत महंगे थे, अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो लाल बाजार में सब लोकल प्रोडक्ट्स है और एमजी रोड से बहुत ही सस्ता है। लाल मार्केट एक स्ट्रीट मार्केट की तरह है, जहां पर ज्यादातर यहां के लोकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं और सभी चीजों पर काफी बार्गेनिंग भी होती है। एमजी रोड और लाल बाजार मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू हैव टी। देखिए मसाला टी दीजिए ना, मसाला चाय। हाँ, ये है यहाँ की स्पेशल दार्जिलिंग मसाला टी। चाय यहाँ की स्पेशलिटी है क्योंकि ज़्यादातर चाय जो हम पीते हैं वो असम या तो फिर दार्जिलिंग से ही आती है। गैंगटॉक इंडिया और चाइना की बॉर्डर से नज़दीक है और यहाँ पर देखने के लिए वैसे तो बहुत कुछ है। यहाँ के दो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो देखने के लिए है वो है चांगू लेक और नथुला पास। चांगू लेक गैंगटॉक से करीब 40 किलोमीटर दूर है, इसे त्सोमगो लेक भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत लेक है जो हर तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये चाइना बॉर्डर से बहुत ही नज़दीक है और स्नोफॉल के वक्त ये पूरी तरह फ्रीज होकर बर्फ़ बन जाता है और उसके हर तरफ के पहाड़ियों पर भी बर्फ़ की परत लगी होती है, तब ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। नथुला पास यहाँ से करीब 54 किलोमीटर दूर 4,300 मीटर की हाइट पर बना हुआ यहाँ का सबसे ऊंचा पॉइंट है और यहीं पर इंडिया चाइना ओपन ट्रेड बॉर्डर भी है। इन दोनों जगहों पर जाने के लिए आपको पहले यहाँ से परमिशन लेनी होती है और उसके बाद ही आप यहाँ पर जा सकते हैं, पर इस वक्त बहुत ही तेज़ बारिश और ख़राब मौसम के चलते इन दोनों रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया है और वहाँ पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, तो मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊँगा और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। तो अब वक्त है गैंगटॉक के सफ़र को पूरा करते हुए यहाँ से आगे बढ़ के दार्जिलिंग जाने का।